हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड मेकअप। आई एम मनीषा और गाइज आज मैं आप लोगों के साथ अपना मैक हॉल शेयर करने वाली हूँ एंड इट्स अ पार्ट टू। सो जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो नीचे मैं नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं, वरना ऊपर आई बटन पे भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का हॉल एंड गाइज इट्स माई ड्रीम हॉल। सो यू नो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था एंड यू नो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ये कैसे छोड़ सकती थी। सो गाइस जो फर्स्ट बॉक्स था वो मैंने पार्ट वन में शेयर कर दिया था और पार्ट टू में मैं आप लोगों के साथ ये दो बॉक्स शेयर करने वाली हूँ एंड इज आर सो हैवी। उसमें फिर भी बहुत कम सामान था, इसमें बहुत ज़्यादा सामान है। सो स्टार्ट करते हैं एंड गाइज दिस इज द बॉक्स एंड फटाफट से मैं ओपन करती हूँ। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है मैक की यू नो स्टूडियो मॉइस्चर क्रीम। इट्स अ मॉइस्चराइजर काइंड ऑफ क्रीम, बट अपने स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेरे तो घर में सभी की फेवरेट है, लाइक जिसने भी यूज़ करी है ना अभी तक, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। सो या इट्स ये ऐसे कुछ पैकेजिंग में आती है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है इसका, जो नो यू नो जो कैप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैट फिनिश में दिया गया है। तो गाइस इस तरीके की ये टेक्सचर मिलता है आपको, बहुत ही ज़्यादा रिच क्रीमी मॉइस्चर बहुत अच्छा है इसमें, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है गाइस। तो जिसने लगा रखी होगी उसको तो पता है, जिसने नहीं लगाई ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट यू नो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको। सो जो इसमें क्वांटिटी है वो 50 ml की है एंड जो प्राइस है इसका वो 3200 rupees है, बट जो वर्क जो करती है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपको पता चल जाएगा। मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सो नेक्स्ट जो है लिपस्टिक्स हैं, बहुत सारी लिपस्टिक्स मैंने मंगाई हैं। सबसे पहले मैं मोस्ट फेवरेट जो यू नो लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट जो शेड है वो शेयर कर रही हूँ। सो दिस वन इज़ मेहर एंड ये मैंने मिनी पैक में मंगाई है एंड इसका जो प्राइस है वो 1050 rupees है। तो इस तरह की इतनी छोटी सी आती है गाइस, बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है, सी बहुत ही प्यारा शेड है। इसके बहुत ज़्यादा ड्यूप्स भी आ गए हैं अब, बट या जो ओरिजिनल लगाने में मज़ा है ना वो ड्यूप में शायद नहीं है, आई डोंट नो। नेक्स्ट इज ट्विग, प्राइस दोनों का सेम है, शेड मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट इज दिस वन, मैंने सारे ही जो शेड है ना वो पिंकिश काइंड ऑफ न्यू शेड मंगाए हैं, बहुत ही कम डिफरेंस है, ये थोड़ी सी डार्क है, ये थोड़ी सी लाइट है, आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा। सी दिस इज ट्विग। नेक्स्ट जो है मेरे पास दिस इज सैटिन लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड कैप्टिव 803 कैप्टिव। सो ये फुल साइज है एंड इसका जो प्राइस है ये फ्री है, ये नॉट फॉर सेल में है तो ये फ्री आई है लिपस्टिक एंड इसका भी गाइस बहुत ही प्यारा यू नो बहुत ही अच्छा है, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, मैट में है ये लिपस्टिक, बट जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप यू नो कुछ मैट लगा रहे, बस ज़्यादा ड्राई नहीं है तो मॉइस्चर अच्छा खासा है एंड जो विजिबल होती है ना वो मैट में होती है। सो वेरी नाइस शेड। नेक्स्ट आई हैव दिस पावर किस लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड मलिट ओवर। सो ये एक यू नो लिक्विड लिपस्टिक है गाइस, पैकेजिंग आप देख सकते हैं कितनी लग्जूरियस है, वाओ, मतलब पूरी मैट फिनिश में दी गई है, ऊपर से नीचे तक पूरा जो पैकेजिंग है ना वो मैट फिनिश में है एंड शेड भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो पाउडर किस लिपस्टिक है ना, सो ये मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ड्राई लगती है बट एप्लीकेशन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक लिक्विड लिपस्टिक लिक्विड होती है बट ये थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में है, बट एप्लीकेशन वगैरह सब बहुत अच्छा है, काफ़ी प्यारा यू नो शेड आप देख सकते हैं। सारे ही जो शेड है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगने वाले हैं
डस्की स्किन टोन पे भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से शेड अच्छे लगेंगे। सो मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ ना, वो न्यूड शेड लगाना प्रेफर करती हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे सारे शेड्स पिक कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है ऑल फायर्ड अप, एंड इसका प्राइस है 1050 रुपीज, एंड ये बहुत ही प्यारा पिंक, फूशिया पिंक काइंड ऑफ शेड है, यू कैन सी। तो ये थोड़ा सा ब्राइट है, ये जो सारे लिप शेड है ना वो सारे ही काम आने वाले हैं। सो मैंने हर तरह के ऑलमोस्ट न्यूड है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास न्यूड शेड है, तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है स्टूडियो फिक्स, बहुत ही लोगों का फेवरेट, एंड दिस इज इन द शेड मीडियम। तो ये लूज पाउडर है, स्टूडियो फिक्स यू नो परफेक्टिंग पाउडर। तो ये लूज पाउडर मंगाया है मैंने, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है, और ये मीडियम टोन में मंगाया है मैंने, मीडियम शेड है इसका। एंड इसमें आपको जो पैकेजिंग मिल रही है वो 8 ग्राम की है, एंड इसका जो प्राइस है वो है 2800 रुपीज़। सो गाइज मुझे फटाफट से ना ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास स्किन फिनिश, यू नो ये क्या है अभी देखती हूँ मैं। ओके दिस इज मिनरलाइज सॉफ्ट एंड जेंटल इसका शेड है। सो ये इट्स अ काइंड ऑफ हाइलाइटर, सो मैं आपको दिखा देती हूँ, पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइज, आप देख सकते हैं, एंड इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। सी जो यू नो बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है ये सभी। सो इसको उतारने के बाद आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द शेड, हाइलाइटिंग शेड आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा शेड है। इट्स अ काइंड ऑफ ब्रॉन्जी काइंड ऑफ शेड, बट ये थोड़ा सा लाइट में है, ठीक है, परफेक्ट है। सो इस तरह की पैकेजिंग में आता है, एंड इसका प्राइस है 3100 रुपीज, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्रॉन्जिंग पाउडर, एंड इट्स इन द शेड मैट ब्रॉन्ज ही है इसका नेम। इसका जो प्राइस है वो 2800 रुपीज है, एंड ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आपको ऐसे बटन प्रेस करना है, एंड आपको एक मिरर मिल रहा है, एंड दिस इज द शेड, दिस इज द ब्रॉन्जिंग शेड। ये इतना पता नहीं चलेगा, यू नो जब अप्लाई होगा फाउंडेशन के ऊपर तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट इज अगेन मिनरलाइज, एंड दिस इज इन द शेड चीकी ब्रॉन्ज। सो गाइज ये है, एंड इसका भी प्राइस 3100 रुपीज़ है, और ये इसकी क्वांटिटी जो है वो 10 ग्राम की है। ये थोड़ा डार्क शेड में है, वो लाइट शेड में था, मैं आपको दोनों के ही शेड दिखा देती हूँ गाइस। जैसे बेक्ड ब्रॉन्जर होते हैं ना, ये उस तरीके का है, आप देख सकते हैं। और ये ना सिर्फ यू नो आप अपने आईज के लिए भी यूज कर सकते हो, मैं तो डेफिनेटली करने वाली हूँ अपने आई शेडो के लिए। सो क्योंकि मैंने ना आई शेडो नहीं लिया है कोई भी, या मेरे को थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह करके ना इधर उधर से तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट आई हैव अगेन टू लिपस्टिक्स, दिस इज रनवे हिट रेट्रो मैट लिपस्टिक, एंड दिस इज इन दी इट्स रनवे हिट शेड, ये भी मिनीज में है गाइज। ये बहुत ही प्यारा ऑरेंजिश कोरल काइंड ऑफ न्यूड शेड है, यू कैन सी दिस इज द शेड, बहुत ही प्यारा है गाइज, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट अगेन आई हैव लिपस्टिक, एंड दिस इज इन द शेड रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक, एंड इट्स इन द शेड लेडी बी गुड, दिस इज द शेड।
ये भी थोड़ा सा मुझे कोरल काइंड ऑफ में लगा इसका एप्लीकेटर गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये थोड़ी सी ग्लॉसी लिपस्टिक है बट बाद में ये मैट ही हो जानी है, कैन सी थोड़ा सा ड्राई होने के बाद। सो ये और ये थोड़ा सा सिमिलर है बट ये लिक्विड लिपस्टिक है गाइज। आप शेड्स देखना, अभी लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी सारे ही शेड्स, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगे हैं। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको। ऑलराइट, नेक्स्ट ये मेरे को फ्री मिला था यू नो सेटिंग स्प्रे, मैक का जो प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे है, ये नॉर्मल वाला है। नेक्स्ट आई हैव थ्री यू नो किंगडम ऑफ लैशेस, ये लूज पिगमेंट है, एक सिल्वर में है, एक फूशिया एंड ब्लू है एंड एक बेबी पिंक करके है। मैं आपको इनके शेड बता देती हूँ, शेड नेम। मैं इनकी पैकेजिंग दिखाती हूँ, सिर्फ मैं आपको एक खोल के दिखा रही हूँ, कितने क्यूट लगते हैं। छोटी सी पैकेजिंग है इनकी एंड सी, ये इस तरीके से आते हैं, बहुत ही प्यारे लगे गाइस मुझे छोटू से ये। तो ये है सिल्वर में है, सिल्वर मल्टी थोड़ा सा कलर आ रहा है एंड दूसरा जो है वो ब्लू एंड पिंक वाला मिक्स है, तो फूशी एंड ब्लू उसका नेम है। सो नेक्स्ट आई हैव अगेन लिपस्टिक, दिस इज पाउडर किस लिक्विड लिपस्टिक एंड इट्स इन दी शेड डेट मेकर, दिस इज द शेड एंड फटाफट से मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। ये जो पाउडर किस वाली जो लिपस्टिक्स है ना, उनका जो पैकेजिंग है ना आउटर पैकेजिंग, वो भी मैट दी गई है, इस तरह का आपको एप्लीकेटर मिलता है एंड दिस इज द शेड। आप देख सकते हैं नीचे वाले जो हैं वो सिमिलर हैं काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी स्टिल डिफरेंस है, ये थोड़ा सा डार्क है शेड सी। नेक्स्ट फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट शेड, इसको पैक करके रख देते हैं अदरवाइज सब इधर उधर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस मैक मैट लिपस्टिक एंड इसका प्राइस है 1700 रुपीज़ एंड गाइज इसका जो प्राइस है वो 2200 रुपीज़ है। ये जो यू नो पाउडर किस लिपस्टिक है 2200 एंड इसका जो प्राइस है जो मैं अभी ओपन करने वाली हूँ वो है 1700 रुपीज़ की एंड इट्स इन द शेड प्लीज मी एंड ये फुल साइज है। इसका जो शेड है मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, पिंकिश काइंड ऑफ टोन है ये, सी दिस इज द शेड। सभी की जो शेल्फ लाइफ है ना वो 36 मंथ्स की है एंड क्वांटिटी इसमें 3 ग्राम की आपको मिल रही है। नेक्स्ट अगेन आई हैव पावर किस लिक्विड लिपस्टिक 2200 रुपीज एंड 5 ml की आपको इसमें क्वांटिटी मिलती है। दिस इज द शेड गाइज सी, ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए क्योंकि मैं ऐसे शेड यू नो कम अप्लाई करती हूँ। दिस इज अ शेड। नेक्स्ट 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 अगेन आई हैव टू लिप ग्लॉस एंड लिप ग्लास है इनका नाम एंड दिस इज इन द शेड कैंडी बॉक्स, ये इस तरह के की पैकेजिंग में आते हैं। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसमें क्वांटिटी आपको 2 ग्राम की मिल रही है एंड 1050 इसका प्राइस है। दिस इज द लिप ग्लास कैंडी बॉक्स एंड आई हैव टू लिप ग्लास एंड मैं आपको दिखा देती हूँ सेकेंड वन भी। सेकेंड शेड आई हैव निम्ती करके ऐसा कुछ है, निम्त एंड 303 है इसका कोड, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग एंड ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। आपको कोई न्यूट्रल काइंड ऑफ लुक करना हो ना आप इसमें कर सकते हैं सी।
आपको डेली यूज में कोई ग्लॉस लगाना हो ना तो ये लगा सकते हैं। ये एकदम कोई कलर ही नहीं है इसमें। सेकंड वाले में कलर है बट इसमें कोई कलर ही नहीं है, स्टिल ये शाइन करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के। हाँ कोई शेड ही नहीं है, स्टिल कितने ज्यादा ग्लॉसी है। तो गाइस नेक्स्ट बॉक्स जो है मैंने ओपन कर लिया है एंड इसमें भी काफी ज्यादा सामान है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा फुल है, मेरे से उठाया मैं नहीं जा रहा। ऑल राइट, सो इसमें जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो है मैंने यूज भी किया हुआ है। सो ये एक सैम्पल प्रोडक्ट था जो कि फ्री मिला था फिक्स प्लस का एंड काफी अच्छा। ये भी 3 से 4 बार आपका इजीली अप्लाई हो जाता है। सो नेक्स्ट इज दिस वन। नेक्स्ट है मेरे पास NC43 कंसीलर है। ये स्टूडियो फिक्स 24 आवर्स स्मूथ वेयर कंसीलर गाइस। इसकी कवरेज ये फुल कवरेज में है। इसका जो फाउंडेशन है वो मीडियम कवरेज देता है एंड ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आता है। एंड जो मेरा शेड है वो NC43 है। इसका जो प्राइस है वो 2300 रुपीज़ है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ यार गाइज, ये न्यू लॉन्च है मैक की, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है बट मैंने बहुत ऐसी किसी के पास देखी नहीं है। सो ये न्यू लॉन्च है एंड ये इसका जो नेम है वो है लव मी लिपस्टिक एंड इसका जो शेड है वो है फ्रेंच सिल्क। सो गाइज ये मैट लिपस्टिक्स नहीं है, ये थोड़ी सी ग्लॉसी लिपस्टिक्स हैं एंड इसका जो प्राइस है वो है 1700 रुपीज़। यस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट गाइज आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा लग्जूरियस है, इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग लगी मुझे। एंड ये पूरा ऐसा लगता है कि मेटल में पूरी पैकेजिंग है इसकी। इसका जो शेड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑरेंज काइंड ऑफ शेड है इसका एंड दीज आर ग्लॉसी लिपस्टिक्स। मॉइस्चर रिच जो लिपस्टिक होती है ना वो ऐसी है। इसमें थोड़ी सी आपको शीन दिखेगी लगाने के बाद, मैट टेक्सचर नहीं है इसका बट गाइज इसकी जो है ना पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। नेक्स्ट आई हैव फाउंडेशन इन दी शेड NC40। ये मेरा परफेक्ट मैच है फाउंडेशन का। लकीली मुझे ऑनलाइन फाउंडेशन का परफेक्ट मैच मिल गया, बिल्कुल मेरी स्किन टोन से मैच करता है। दिस इज द शेड। ये थोड़ा सा वॉर्म टोन में आते हैं ये। ये जो है जो फाउंडेशन है ये मीडियम कवरेज देता है, आपको फुल कवरेज नहीं देता है बट इसकी ब्लेंडिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छे से बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। एंड इसका जो प्राइस है वो है 2900 रुपीज़। नेक्स्ट आई हैव मैक मॉइस्चर इन्फ्यूजन सीरम है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है एंड दिस इज द, ये आपको ऐसे लॉक एंड अनलॉक इजीली हो जाता है। इसका मैं टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आपको दिख भी नहीं रहा होगा। ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है, सी दिस इज द सीरम, बहुत ही कम अप्लाई होता है एंड यू आर गॉट टू गो। सो इसका जो प्राइस है वो 3750 रुपीज़ है। मुझे लिपस्टिक के अलावा और मुझे चीज़ें मिली ही नहीं है और 2000 से नीचे में सारी ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट जो है मेरे पास दिस इज द हाइपर ग्लो, सॉरी मैं बता देती हूँ, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसको ओपन करते हैं फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इसका जो नेम है वो है मैक हाइपर रियल ग्लो। सो इट्स अ हाइलाइटर। इसमें आपको ऐसे मिरर मिलता है एंड आपको 3 शेड्स मिलते हैं यहाँ पे। दीज आर द शेड्स, ये हाइलाइटर की शेड्स हैं एंड इसका जो प्राइस है वो 4900 रुपीज़ है। लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बट यार मुझे ये ट्राई करना था
तो मैंने मंगा लिया एंड बहुत सारे रिव्यू मैं डेफिनेटली मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगेंगी जो बेकार लगेंगी सब मैं आप लोगों के साथ यू नो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये मैक का काजल क्रेयॉन। सो ये ना जो मैंने आपको पहले जो दिखाए थे काजल वो थोड़े टिप वाले थे, ये जो है ये थिक में है काफ़ी ज़्यादा एंड इसका जो शेड है वो है डियर डार्लिंग। तो ये यू नो ये ब्लू में भी नहीं है, ये ग्रीन में भी नहीं है, ये दोनों का मिक्स है एंड बहुत ही थोड़ा डिफरेंट शेड लगा मुझे ये। गाइस दिस इज द शेड, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये ब्लू नहीं है, ये थोड़ा ग्रीन और ब्लू मिक्स है, बहुत ही प्यारा। लाइक ये वाला शेड है एग्जैक्टली, अगर अप्लाई करेंगे ना हम तो यही शेड ऐसे शाइन करके पॉप आउट होगा। नेक्स्ट अगेन आई हैव दिस काजल क्रेयॉन एंड इट्स इन द शेड ब्राउन। ये भी बहुत अलग सा ब्राउन है, सेम ब्राउन नहीं है एंड इसका जो शेड नेम है वो है मसाला। एंड नेक्स्ट आई हैव सेम काजल इसी फॉर्म में है, ये ब्लैक शेड में है एंड इट्स इन द शेड फ्लोरिश मी डीप। दिस इज द शेड। मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ अभी क्योंकि मैं एक आपको ओपन करके दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट आई हैव दिस स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन इन द शेड NC40 एंड इसका जो प्राइस है वो 2900 रुपीज़ है। तो ये कुशन फाउंडेशन होते हैं ना, वो ये इस तरीके का कुछ है। सी इसमें हमको कवरेज अच्छी खासी मिल जाती है एंड जो NC40 इसका मैंने आपको शेड बता दिया है, ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्ट करता है। दिस इज द शेड, ये अभी इतने अच्छे से यू नो स्वॉच नहीं हुआ है। नेक्स्ट आई हैव, फटाफट से खत्म करते हैं गाइज, ये मेरे पास है कंसीलर पैलेट, इसका प्राइस है 4450 रुपीज एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल रहे हैं लाइक NC40, NW40, NC42, NW43, रिच येलो एंड बर्नट कोरल। सो इसमें जो है मैंने ये क्यों लिया है, मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि इसमें मुझे यू नो कलर करेक्टिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें मेरे को कॉन्टोरिंग के ऑप्शन मिल रहे हैं एंड कंसीलर तो है ही। सो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है एंड गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारी पैकेजिंग है, काफ़ी स्टर्डी पैकेजिंग है, गिराने तो मैं वैसे भी नहीं वाली हूँ जानबूझ के, बट यह काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। सो दिस अगेन मेरे पास सेम है ये रेडियंट पिंक में, वो जो बेस था मैंने आपको पहले भी दिखाया था छोटू सी पैकेजिंग में, ये फ्री आया था यू नो ट्रायल पैक जो होता है, बट ये भी गाइस बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं क्योंकि बहुत यू नो एक ड्रॉप ये यूज़ होते हैं। सो ये येलो छोटे भी ना काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। नेक्स्ट आई हैव मैक का प्रेप प्लस प्राइम पोर रिफाइनर स्टिक। सो ये जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ना फेस पर, उसके ऊपर आप अप्लाई कर लो तो ये यू नो इस तरह की स्टिक आती है, डायरेक्टली आप एज अ प्राइमर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे प्राइमर आ गए हैं अलग अलग वैरायटी के, क्रीम फॉर्म में, स्टिक फॉर्म में, यू नो बहुत सारे प्राइमर आ गए हैं। सो इसका जो प्राइस है वो है 2700 रुपीज़। गाइज नेक्स्ट आई हैव ये जो मैंने आपको पहले वाली लिपस्टिक दिखाई थी, ये लव मी लिपस्टिक एंड इसका मैं शेड आपको बता देती हूँ, ये है हे फ्रांसे। दिस इज द लिपस्टिक गाइस, बहुत ही ज्यादा यू नो ये एकदम से रॉयल एकदम फील देती है मुझे। नेक्स्ट अगेन आई हैव फिक्स प्लस छोटू वाला, तो मेरे पास काफी सारे फिक्स प्लस हो गए हैं। नेक्स्ट अगेन आई हैव बड़े वाला फिक्स प्लस, और तो सब खत्म ही हो चुका है। यस दिस इज माई बड़े वाला साइज मैक फिक्स प्लस, ये बहुत सारे आजकल आने लगे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट आने लगे हैं यू नो अलग अलग, तो मैंने ये बिल्कुल नॉर्मल एंड ओरिजिनल फॉर्म में मंगाया था एंड इसका बस प्राइस यू नो
एकदम 2000 से कम है। इसका जो प्राइस है वो 1900 रुपीज़ है, एंड इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है आपको। सो मुझे एक ही चीज़ लगी है जो अच्छी खासी क्वांटिटी में है और जिसका इसका प्राइस भी सही है, अदरवाइज सब छोटे छोटे एंड प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।